बिथरी, चैनपुर और भोजीपुरा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी 7 सीटों पर सपा और भाजपा में कांटे की टक्कर के आसार हैं। बिथरी और भोजीपुरा में बसपा भी मुकाबले में है। मतदाताओं ने प्रत्याशी और उनके समर्थकों को भ्रमित भी किया, वादे कुछ और किए लेकिन मतदान के समय बटन कहीं और दबा दिया। वहीं जब आज मंगलवार को बसपा प्रत्याशी योगेश पटेल के यहाँ हमारे संवाददाता देवेंद्र पटेल पहुँचे तो उनके यहाँ 7 बजे से ही उनके समर्थक और चाहने वाले सैकड़ों लोग योगेश पटेल का इंतजार करते नजर आए। वहीं हमारे संवाददाता देवेंद्र पटेल ने जब योगेश पटेल से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें सर्व समाज का वोट मिला है और निश्चित बसपा भोजीपुरा में अपना परचम लहराएगा। वहीं सभी समर्थकों और कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आप सब लोग ने मुझे एकजुट होकर चुनाव लड़ाया, मैं आपका आभारी हूँ।